नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो आज है हमारे गांव में पूजा, और पूजा कुछ ऐसी है कि जब हमारे वहां पे भाई गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, उसके कुछ समय बाद मंदिर में हम नया आटा देते हैं, जिसको हम नयो कन को बोलते हैं अपनी भगगड़ वाली भाषा में। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग भी बता सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे वहाँ पे पूजा का शुभारंभ होता है। कुछ इस तरह से उनको अपने जो वाद्य यंत्र है हमारे ढोल और दमाऊं, उनको बजाया जाता है, और देवता का जो माँ भगवती का है हमारा मंदिर, उसका अनुसरण किया जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ पे उस चौक में हमारे गांव के सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं, और सामने वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, और माँ भगवती का अनुसरण किया जा रहा है। पूजा पाठ शुरू होने वाली है कुछ ही देरों में। कुछ इस तरह अपने मंत्रों द्वारा पंडित जी, देवता, हमारे वहाँ पे जो देवता आते हैं और लोगों पे उस अपने मंत्रों से वो विद्या शुरू करते हुए, और ये देखिए ऐसे हमारे वहाँ पे माँ भगवती और अन्य भी जितने पशुआ हम उनको बोलते हैं, सब पे देवता आना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारी संस्कृति भाई, यही हमारा कल्चर है हमारे उत्तराखंड का, और इसी को हम सबसे सर्वोपरि मानते हैं अपने उत्तराखंड में। और जय माँ भगवती। ऐसी कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, हमारे उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड ऐसी वीडियोस होती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बस वीडियोस को पोस्ट करके छोड़ देते हैं, उन वीडियोस के बारे में कभी नहीं लिखते हैं। लेकिन उनके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे उत्तराखंड का कल्चर किस लिए, क्यों इन सब चीज़ों के पीछे क्या वजह होती है, वो सब चीज़ें लिखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे ही हमारे इस कल्चर को आप देख रहे होंगे, ये है हमारे उत्तराखंड में, इस तरह से हम पंडित जी मंत्रों के द्वारा अपने देवताओं का आह्वान करते हैं, और इस तरह मनुष्य पे एक जो छोटा सा अंश उसका एक दिखाई देता है। तो गांव में पूजा का कार्यक्रम जो था वो संपन्न हो चुका था। अब जाना था हमने ऊपर मंदिर में, और ये है हमारे मंदिर का रास्ता, जो कि थोड़ा अलग रास्ता था, मेन रास्ते से नहीं जा रहे थे, यहाँ से हमने शॉर्टकट जाना था ऊपर। तो ये है मेरे साथ में सरोज भाई, तन्नू भाई, और ये है भाई दीप्पी भाई। तो ये इनके साथ हम सामान लेके चल दिए मंदिर की तरफ। ये है रास्ते में भैरवनाथ का मंदिर, और रास्ता भाई थोड़ा खड़ा चढ़ाई वाला रास्ता था, तो मेरी तो सांस फूल गई थी भाई। तो यहाँ से ऊपर हमारा मंदिर है, सामने ऊपर आपको दिख रहा होगा, और ये है नीचे हमारे गाँव का नज़ारा मंदिर से। तो यहाँ है हमारा माँ उमा देवी का मंदिर, जो कि दोनों पेड़ों के बीच में इतना खूबसूरत दिखता हुआ। और मंदिर से आप एक चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं भी आगे, कि इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है सारे जगह का, इधर उधर के गांव सब चीज़ एकदम सुंदर दिखते हैं। और ये है हमारे माँ भगवती, माँ उमा देवी का मंदिर, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। जय माँ भगवती, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। ये देखिए, तो कुछ ऐसा है मंदिर से हमारे गांव का नज़ारा, चारों तरफ पहाड़ हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पहाड़ों की गोद में है हमारा गांव। सामने आपको एक नई नई रोड दिख रही होगी, जो कि अभी आई है गांव में। तो सामने है हमारे गांव के छप्पर, जहां हमारे गाय भैंस रहते हैं, और नीचे हमारा गांव। तो और सामने जो गेट दिख रहा है आपको, वैसे जो रास्ता है वो वहाँ से है हमारे मंदिर के लिए, और मंदिर थोड़ा टॉप में है, यहाँ से आप अच्छे अच्छे नज़ारे देख सकते हैं मंदिर के और भी गांवों के। सामने उस तरफ पे है गोपेश्वर, वहाँ पे ये है हमारा शिवालय का मंदिर।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इतने अच्छे अच्छे दृश्य। ये देखिए मंदिर के जस्ट पीछे की साइड है, यहाँ पे एक बहुत ही डेंजर सा पत्थर है वहाँ पे नीचे की तरफ को, और इधर की दूसरी साइड है हमारा गांव। तो अगर आप देखेंगे तो भाई इतना बेहतरीन नज़ारा मंदिर से आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारे गांव का रोसू जो कि एक नंबर का कामचोर है भाई। ये बस आपको बस एक्टिंग करता हुआ दिखेगा, काम नहीं करता भाई, एक नंबर का कामचोर है ये। तो भाई ऐसे ही धीरे धीरे मंदिर में लोग आने लगे। और ये देखिए थैंक यू प्रियांश, ये बहुत मेहनती और बहुत ही अच्छा लड़का है। और तब तक ये देखिए नीचे से अयांश आता हुआ आलोक के साथ मंदिर की तरफ। अयांश ने भी उस दिन सोच रखी थी मैं मंदिर जाऊंगा और मंदिर में हलवा खाऊंगा, तो अयांश भी पहुंच जाता है मंदिर। ये है हमारे मंदिर का गेट। अब यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे आपको नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ हमारे खेत हैं, नीचे वहाँ पे एक दो चार वहाँ पे घर हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। सामने पीछे आपको जस्ट हमारा एक छप्पर दिख रहा होगा उधर की साइड में। तो इधर से ये देखिए मंदिर से ही कुछ वीडियोस कुछ शूट किए मैंने। यहाँ पे गांव के लड़कियाँ वहाँ पे रोटियाँ बनाती हुई, क्योंकि अब मंदिर में पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था वो भी चल रहा था, तो एक तरफ कहीं पे प्रसाद बन रहा था, कहीं पे किसी के लिए कुछ खाना बन रहा था। तो ऐसे ही होता है भाई गाँव में काम, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं जिसे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये जस्ट शिवालय है हमारा, उसके पीछे का नज़ारा है। वहाँ पे एक छोटा सा पीपल का पेड़ है जो कि बहुत ही पुराना है भाई, आज से नहीं बहुत पुराना है। तो जो लोग उत्तराखंड से होंगे वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमारे उधर के मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और जो लोग उत्तराखंड से बाहर के अगर लोग देख रहे होंगे तो उनको मैं समझा देता हूँ कि भाई हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा पाठ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मान्यताएँ हैं हमारी। हर एक चीज़ को हम बहुत ही अनन्य मान्यता से हम पूजते हैं अपने गांवों में या अपने मंदिरों में। तो यही है हम लोगों की उत्तराखंड में, इसीलिए तो उत्तराखंड को यार देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों की देवताओं के प्रति बहुत 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 आस्थाएं होती है भाई। तो कुछ इस तरह से हमारे गांवों में हमारे मंदिरों में पूजा की जाती है। अब हो चुका था आरती का टाइम और यहाँ पर चल रही थी आरती, तो सारे लोग आरती कर रहे थे वहाँ पे, तो हम भी वहाँ पे आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई हम पहाड़ी लोग छोटी छोटी खुशियों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, इसलिए हम लोग खुश रहते हैं। क्योंकि भाई हमें पता है कि उत्तराखंड में भले ही रोज़गार या इन सब चीज़ों की सुविधा कम हो, लेकिन प्रकृति ने जो हमें दिया है ना, हमें बस उसकी खुशियाँ अपने जीवन में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे वहाँ पे आरती का कार्यक्रम होता है पूरा। और थोड़ा सा आपको मंदिर को दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से दिखता है हमारी माँ भगवती माँ उमा देवी का मंदिर, जो कि यार काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और आप लोगों को कैसा लगा हमारे यहाँ का मंदिर ज़रूर बताना भाई। और यहाँ से देखिए सारे बच्चे जितने भी आ रखे थे सब वहाँ पर आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारे वहाँ का मंदिर हमारा गांव, कमेंट करके यार ज़रूर बताना इस बात को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। सो मिलते हैं यार एक और नई वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माँ भगवती, टेक केयर।